for you. Go faster! Whoa! You can do magic? This is amazing! This is impossible! I wish Dad were here to see this. You can go your own way. Yeah, Ma. Beijing is great. Oh. I did that? When Yi sets her mind on something, nothing is impossible. काफ़ी समय पहले ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि एनिमेटेड मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए होती है, ये तो कार्टून होते हैं, इन्हें बच्चों को ही देखना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। एनिमेटेड मूवीज अब केवल बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और कुछ ऐसी एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ही देख सकते हैं। इट मीन्स ये 18+ एनिमेटेड मूवी है जिन्हें बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ऐसी ही एक मूवी आज की हमारी इस लिस्ट के अंदर भी है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 9th मूवी अबॉमिनेबल, ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसके फादर का सपना होता है कि वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन इसके फादर के बीच में डेथ हो जाती है जिसकी वजह से इसका सपना पूरा नहीं हो पाता, और ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा तंग आ गई है। ये अपना घर छोड़ना चाहती है। इसी बीच इसकी मुलाकात होती है येटी नाम के एक क्रिएचर से जिसका नाम एवरेस्ट होता है। कुछ लोग उसको पकड़ के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके आए होते हैं क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स होती है, और वो लोग इसकी मैजिकल पावर्स का यूज करना चाहते थे। लेकिन येटी किसी तरह उन लोगों के चंगुल से भाग जाता है, और उसकी मुलाकात सीधे होती है इस लड़की से, और ये लड़की इसको विश्वास दिलाती है कि ये और इसके दोस्त मिलकर इसको पहुंचाएंगे इसकी फैमिली के पास। आगे क्या होता आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी क्लॉस, ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसी जगह की जो बाकी दुनिया से बहुत दूर है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा नाखुश रहते हैं। ये जगह पूरी बर्फ में रहती है, इसी वजह से यहाँ के लोग भी बर्फ की तरह सख्त रहते हैं। वो लोग अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लेकिन यहाँ का एक लोकल पोस्टमैन इस चीज को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि इस क्रिसमस पे ये जगह दुनिया की सबसे खुश जगह हो, यहाँ पे हर कोई खुश रहे। इसके लिए वो मदद लेता है क्लॉस नाम के एक बंदे की, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं जिनकी मदद से वो दुनिया के सबसे बेस्ट खिलौने बना सकता है। और वो इस पोस्टमैन की बात मान भी लेता है जगह को दुनिया की सबसे बेस्ट जगह बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि ये शहर दुनिया का सबसे खुश शहर हो। क्या पोस्टमैन और क्लॉस अपने इस मिशन में सफल हो पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये काफी अच्छी एनिमेटेड मूवी है जो हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई क्रिश्चियन नाम के एक बंदे की, जिसको पता लगता है कि ये दुनिया कुछ ही समय में तबाह होने वाली, ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत समझाता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। उनको लगता है कि ये पागल हो गया है, इसलिए ये अपने फैमिली मेंबर्स को और लोगों को छोड़ के निकल पड़ता है एक एडवेंचरस सफर पे, जहां पे ये अपने आप को सेफ रख सके, ऐसी जगह ढूंढ सके जहां पे ये सेफ रह सके। क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और क्या इसको ऐसी कोई जगह मिलती भी है या नहीं, वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे हिंदी लैंग्वेज में, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ट्रबल, ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक डॉग की, जिसका नाम होता है ट्रबल। ये अपनी मालकिन के साथ बड़े ही आराम से रह रहा होता है बहुत बड़े घर के अंदर, इसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन एक दिन सडनली इसकी मालकिन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के, यानी इस कुत्ते की मालकिन की प्रॉपर्टी के जो मालिक बन जाते हैं, वो बन जाते हैं उसके भतीजे। और वो लोग इस डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो बहुत लालची है और उनको सिर्फ मतलब है पैसों से, इस औरत की प्रॉपर्टी से, और वो लोग इस डॉग को भेज देते हैं बहुत दूर। लेकिन बाद में इनको पता लगता है कि बिना डॉग के इनको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मालकिन ने एक ऐसी वसीयत लिख रखी है जिसकी वजह से जब तक वो डॉग जिंदा रहेगा तब तक इन्हें उसकी सेवा करनी होगी, वरना इनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आगे ये लोग कैसे उस डॉग को ढूंढते हैं और डॉग के साथ क्या होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी की स्टोरी सुनकर आपको एंटरटेनमेंट मूवी की याद आ रही होगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी जैक एंड द कुकू क्लॉक हार्ट, ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 19th सेंचुरी की, जब एक बच्चे का जन्म होता है जिसका दिल जम जाता है, जिसकी वजह से उसका दिल रिप्लेस करना पड़ता है क्लॉक से, एक क्लॉक हार्ट से, यानी उसके दिल के अंदर एक घड़ी लगाई जाती है जिससे वो जिंदा रहता है। और उसके फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है कि अपने बेटे को तुम्हें संभालना और इसको स्ट्रांग इमोशन से बचाना है, यानी इसे लव जैसी बहुत स्ट्रांग फीलिंग से बचाना है, इसको कभी भी किसी से प्यार ना हो इस बात का ध्यान रखना है। और ये लोग अपने बच्चे को इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं जब तक वो बड़ा होता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और अब ये स्ट्रांग इमोशंस फील कर रहा है, ऐसे में इसकी जान खतरे में। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड रोमांस मूवी है। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी शॉन द शीप मूवी, ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई शॉन की, जो डिसाइड करता है आज वो एक दिन का ऑफ लेगा, आज वो छुट्टी लेगा और इंजॉय करेगा। लेकिन ये लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने मालिक को भेज देते हैं एक बहुत बड़ी बिग सिटी में, और वहां पर इनका मालिक खो जाता है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी, इनको किसी भी तरह उस बड़े शहर में जाना और अपने मालिक को लेके आना है,
है क्योंकि अकेले इनका मालिक नहीं आ सकता, उसे कुछ भी नहीं पता उस शहर के बारे में। मूवी की स्टोरी आपको भले ही सिंपल लग रही हो लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवी है जो हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी स्पाई इन डिस्गस, ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई दुनिया के सबसे बेस्ट स्पाई की, यानी दुनिया के सबसे बेस्ट जासूस की, जो गलती से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पिगन में, यानी एक कबूतर में। और इसके बारे में सिर्फ एक नटी टेक ऑफिसर को ही पता है कि हाँ, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एजेंट इस समय एक कबूतर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और इनके ऊपर जिम्मेदारी कि इनको दुनिया को बचाना एक बहुत बड़े खतरे से, क्योंकि नटी टेक ऑफिसर को तो कुछ भी नहीं पता उन खतरनाक मिशंस के बारे में, और जिसको पता है वो कबूतर बन चुका है। ऐसे में ये लोग क्या दुनिया को बचा भी पाते हैं नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हम शुरुआत में जिस एडल्ट एनिमेटेड मूवी की बात कर रहे थे वो यही मूवी है जिसका नाम है सॉसेज पार्टी। है मूवी आई थी 2016 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। ये मूवी कंप्लीटली एडल्ट मूवी है। इसको आप गलती से भी बच्चों के साथ ना देखें या बच्चों को ना दिखाएं। ये मूवी केवल और केवल 18+ के लोगों के लिए बनी है, एडल्ट लोगों के लिए बनी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई सील पैक फूड की। जिन लोगों को लगता है कि इंसान भगवान है, इंसान देवता है, इंसान उनकी बहुत केयर करता है, इंसान उनको यहाँ से लेकर जाता है अपने घर में और वहाँ पर उनका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान उनको ले जाते हैं खाने के लिए, जिसके बारे में जब इन लोगों को पता लगता है तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये लोग अब चाहते हैं कि ये लोग किसी भी तरह इंसानों से बचकर भाग जाएं। और इस मूवी के अंदर जितने भी सील पैक्ड फूड दिखाया गया उन लोगों को दिखाया गया कि वो लोग सेक्स करने के लिए पागल हैं। लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि वो लोग किसी भी तरह इस पैकेट से बाहर निकलें और सेक्स करें। इस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, इसलिए इस मूवी को आप अकेले ही देखें। अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी मूवी होते हुए भी ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी है नजास रीबॉर्न। ये मूवी आई है 2021 में। ये एक एनिमेशन एक्शन फैंटेसी मूवी है। ये एक चाइनीज मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 3000 साल पहले की, जब ड्रैगन किंग और नेजा के बीच में एक बहुत बड़ा महायुद्ध होता है जिसमें नेजा ड्रैगन किंग को और उसके बेटे को मार डालता है क्योंकि ये दोनों दुनिया को तबाह करना चाहते थे। लेकिन अब कहानी दिखाई गई 3000 साल बाद, जब ये दोनों वापस जन्म लेते हैं, एक तरफ नेजा है जो एक बाइकर के रूप में जन्म लेता है और दूसरी तरफ ड्रैगन किंग है जो एक बहुत बड़े आदमी के बेटे के रूप में जन्म लेता है। और ये दोनों अब उस 3000 साल पहले हुई लड़ाई को सेटल करना चाहते हैं इस युग में। दोनों ही इंसान रूप में इस वक्त हैं और दोनों के पास इनकी पावर्स अभी भी हैं। ये काफी अच्छी एनिमेटेड मूवी है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।